ओवर चितरंगी विकास खंड के सीमावर्ती क्षेत्र लमसराई से जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ANM नर्स के अलावा एक भी चिकित्सक नहीं है। चिकित्सकों के अभाव में क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जाते हैं तथा लमसराय से 40 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में भी जाना पड़ता है। लमसराय में चिकित्सक न होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय दूर होने के कारण गंभीर अवस्था में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया ताकि मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में बसे प्राथमिक स्वास्थ्य लमसराय में चिकित्सक मिल सके। फिलहाल लमसराय स्वास्थ्य केंद्र एक औपचारिकता मात्र है। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों की आवाज पर शासन प्रशासन के कान पर जू रेंगती है या यूं ही बिना डॉक्टर के स्वास्थ्य केंद्र चलता रहता है। गौरतलब है कि जब जब चुनाव आता है तब तब हर पार्टी के प्रचारक और प्रत्याशियों द्वारा लंबी लंबी घोषणाएं की जाती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो आश्वासन और घोषणाएं पूरी नजर आती है। जी अपना नाम बताइए। लाल प्रसाद जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? लमसराई। ये बताइए लमसराई हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह बैठते हैं? हम बिल्कुल है जाने नहीं जानते। फिर मरीजों का इलाज कैसे होता है? यही नर्स पर्स है, कुछ करें ना, सब करें जा बाहर। तो फिर इसकी मांग किया आप लोगों ने, डॉक्टर के लिए मांग किया, शिकायत वगैरह किया क्या? कहिए बार 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 एक जाना है। अच्छा, तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर आए यहाँ जी, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाएगी। जी लमसराई में हमारी टीम पहुंच चुकी है, आइए जानते हैं। ये यहाँ पर स्टाफ नर्स हैं जी, अपना नाम बताइए। मानसी पटेल। जी मानसी पटेल। मानसी पटेल, कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? दो साल। यहाँ पर चिकित्सक वगैरह हैं कि नहीं है? नहीं है। फिर लोगों का इलाज कैसे होता होगा? जैसे हो पाता है मुमकिन, जितना होता है उतना करते हैं। अच्छा, आपको करना पड़ता है। और क्या डिलीवरी वगैरह भी यहीं होता है? सब कुछ है यहाँ, डिलीवरी पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, ओपीडी आईपीडी सब कुछ होता है। पूरा चीज आपको देखना पड़ता है? हाँ। आपके साथ में कोई स्टाफ वगैरह? कोई नहीं, अभी एक महीने पहले एक एंटी ज्वाइन की है। अच्छा, तो कितने बजे से कितने बजे तक आप बैठते हैं यहाँ? 24/7 है हमारा, बैठने का कोई टाइम नहीं है, जब पेशेंट आया तभी देखना पड़ता है। अच्छा, पेशेंट कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? लगभग 5-6 पंचायतों के पेशेंट आते हैं, मतलब 30 से। और दवाई वगैरह उपलब्ध रहती है? हाँ, दवाइयाँ खुद मंगवानी पड़ती है। अच्छा, और किसी भी तरह के पेशेंटों के लिए असुविधा वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह है यहाँ क्या? मान लीजिए कि यदि किसी मरीज की हालत गंभीर हो जाती है तो ऐसे स्थिति में आप क्या करती हैं? प्राइवेट वाहन करना पड़ता है। क्या चिकित्सक वगैरह के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पदस्थापना वगैरह सूची वगैरह है? ये अभी हॉस्पिटल ही मैपिंग में नहीं है, हमको तो आज तक कोई, हम जब आए थे ज्वाइन किए थे तब एक थे जी, तो वो यहाँ पे आते नहीं थे। अच्छा। बगैया और नोडीवा और यहाँ तीन जगह की उनकी पदस्थापना थी, उन्होंने अपना ट्रांसफर करा लिया था पहले ही। हाँ। तो हमारे यहाँ यहाँ पर कोई नहीं है इस समय, पूरी तरह से सुनिश्चित चिकित्सकीय अस्पताल है। चितरंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।